ओ यारो, कुछ घर ऐसे हैं कि अगर चावलों में गोश्त पड़ भी जाए ना तो सारे बच्चों को बोटियां नहीं मिलती। उन घरों में बच्चे ना गोश्त के लिए लड़ते हैं कि मैंने बोटी खानी या मैंने बोटी खानी, और बाप परेशान, गरीब, कमज़ोर दूर बैठ कर देखता है कि मेरी जेब में ज़्यादा पैसे होते तो मैं ज़्यादा गोश्त लाता। ऐसा ना हो कि हम मिलाद शरीफ पे ज़्यादा गोश्त डाल के चावल हमने पकाए हुए हों और उसे पता हो कि आज बैठा के एजाज के साथ रोटी खिलाई जाएगी तो अपने तीनों बच्चे गरीब आदमी साथ ले आए, और उसका 3-4 साल का बच्चा जब उसे 3-4 बोटियाँ इकट्ठी मिलें तो अपने अब्बा जी से पूछे, अब्बा जी आज खैर है, आज बड़ा गोश्त मिल रहा है, खैर है? तो फिर तुझे मिलाद सिखाना नहीं पड़ेगा, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। उसका बाप जब उसके कान में कहेगा ना, पुत्र आज राज के खा, आज मदीने वाले महबूब का मिलाद शरीफ।